हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सचिन पंगाल। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मेट्रो से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ था। अब दिल्ली से घर जा रहा हूँ, तो घर जाके फिर आपको ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगा। पर मैंने सोचा कि यहाँ से कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं आए। मैं दिल्ली था इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाए, बट अब आएंगे तो मैं घर जाता हूँ। सो दोस्तों, मैं वो घर पहुँच गया हूँ। अभी 10-5 मिनट पहले पहुंचा हूँ और आगे नहाया हूँ और थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मिला था मेरे से। वो मैंने सोचा क्या दिखाऊंगा, वो हर बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुका कि कैसे थोर मिलता है मेरे को। और ये देखो, ये मानुडॉन भी आ गई है। और मानुडॉन, मछलियों का ध्यान रखा पूरा? नहीं। तूने क्या करा था ये? मछलियों का ध्यान क्यों रखा तूने? चलो फिशेज और दिखा। ये देखो, सारी आगे बैठी है। ये भी आगे आई हुई है। आज तो गुरामी भी है, ये भी दो गुरामी, ये सारी आगे आई हुई है और सारी हेल्दी है भाई, फुल हेल्दी है मछलियाँ। अब आ गया हूँ मैं घर पे, तो पूरा एक्वेरियम को रेनोवेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और इसमें मेरे को फिल्टर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, क्योंकि ये जो इनका ये जो है ना, ये थोड़ा यहाँ फंस रहा है और जिसे प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि इसमें कौन सा फिल्टर लग सकता है। बाकी मुझे तो पता ही है, पर आप लोगों की भी राय ले रहा हूँ मैं कि कहता आप लोग कुछ ज़्यादा और अलग से दे राय जिसमें मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ भी लग सकती है ना, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। अभी कमेंट करो और चलो थोड़ी देर थोड़ी चलो भाई, फिर एक बार मैं खाना खुना खा लेता हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया। मम्मी ने चावल छोले बनाए और मानू ने सिरके वाले प्याज, तो वो खा के फिर मिलता हूँ। फाइनली मुझे खाना मिल गया, मैं खाना खाऊंगा। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा। ये देखो भाई, हमने छोले चावल, मुझे बहुत पसंद है। अब खा रहा हूँ मैं, ये खा के मिलते हैं आपसे। मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप देख ही पा रहे हो। मतलब बोला भी नहीं जा रहा वैसे तो। मैं खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। ये आदमी बाहर खड़ा इतनी देर से और पापा ने फोन करा कि भाई उसे अंदर ले लो। थोड़े तो बोला क्यों नहीं? थोड़े तो बोला क्यों नहीं यार कि हमें मुझे अंदर ले लो? सुसु करने की खुशी इतनी होती है कि बोला नहीं गया। देखिए थोड़े बता ना। ये थका अब भाई, ये थका हुआ पूरी तरीके से। करगी फंड, करगी अभी फंड कर रही है कि काम ना करना पड़ेगा। पिटेगी थोर साइड में, ये पहले बता रहा हूँ। सो दोस्तों, वो जो आपने क्लिप देखी थी इससे पहले कि मैं खाना खा रहा था, आपने दिखा रहा था इतना अच्छा खाना है, तो मैं उस टाइम शाम के 7-8 बजे थे और मैंने वो खाना खाया और खा के मैं ऐसा सोया कि अब नेक्स्ट डे उठाऊ मैं, 9 बज गए। तो मैं उसके बाद शूट भी नहीं कर पाया। तो भाई यार, मैं सोचा मैं क्या अब क्या करूंगा। फिर मैंने कहा कि मैं चलो आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि टैंक कैसा है ना। और ये सारे देखो टीम लोग, ये सारी आगे आगे देखो। और अब पापा ने भी कह दिया इसके अंदर मैं सैंड डालूंगा या छोटे छोटे ग्रेवल्स डालूंगा और प्लांट्स आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। अब आप लोगों ने कईयों ने कमेंट्स में कहा था कि बैम्बू डाल दो इसमें, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बैम्बू भी डल सकता अपना। और ये देखो गुरामी, दोनों गुरामी, येरी और रेड कलर वाली वो फिश कहाँ है अपनी, और रेड टेल वो देखते हैं। वो देखो बोरी बोरी रेड टेल। और मैंने ना अपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं पीछे अपने जो नीचे पोंड था उसके अंदर कोई फिशेज छोड़ के आया था छोटी छोटी, वो ना मैं एक्चुअली इसमें ही रखना चाहता था। बट क्या हुआ, जब मैं अब ये नई फिश लेके आया गुरामी वगैरह, तो ये उन छोटे बच्चों को खा जाती, तो फिर मैंने सारे वो छोटे बच्चे कैच करे और उसके बाद मैंने वो नीचे वाले पोंड में ट्रांसफर कर दिए कि वो वहां पे थोड़ी जब ग्रोथ हो जाएगी ना उनकी इतनी कि भाई इन्हें मुंह में लाए, तो जब तक जितनी ग्रोथ हो जाएगी फिर इसमें डाल दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। तो सही है ना, छोटी छोटी मेंढक सी। चलो इनको खाना दे देते हैं और पूरी वो हो रही है। और मैं पहली बार खाना दूंगा अपनी नई मछली को, अब तक पापा और दे रहे थे क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। और एक बार इसे इग्नोर करना, जो ये नीचे गंद सा हुआ हुआ यार, ये तो बताए देखिए, ये तो रियलिटी है, ये तो होएगा क्योंकि बेयर बॉटम टैंक है ना और फिश ज्यादा है अपने पास, तो ज्यादा मतलब टैंक के हिसाब से ज्यादा नहीं वैसे ज्यादा है, तो वो
अपना वो तो फीकल मटेरियल तो करेंगे, इसमें फीकल मटेरियल मेन खाना खुना भी पड़ा है, तो ये सब चीजें साफ करनी पड़ती है। इसके लिए फिल्टर का मैं सोच रहा हूँ कि फिल्टर लगाओ, बड़ा लगाता हूँ मैं इसमें फिल्टर, पर मैं फिगर आउट करता हूँ कहाँ लगेगा। आप लोगों ने बताया, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ लगा सकते हो फिल्टर। चलो मैं खाना दे देता हूँ, कैसे रेड वाली भी खाना खा रही है अपना, देखो नीचे ढूंढ रही है ना। सही है, सारी सही है, सारी एक्टिव है, ये रिगुरामी भी आगे आ गई। चलो ये तो अच्छा हो गया कि ये सब सही है, एक्टिव है, खाना सारी खा रही है। चलो मैं थोरू से मिलाता हूँ। थोरू देख दे, बैठ बैठ, तू मेरे से मिल के नहीं रहा। अरे थोरू अरे मिल तो ले, अच्छा सोना है गया तुझे, अच्छा उठ गया। ये प्यारा बच्चा है, ये छोटा सा, ये ऊपर आया सुबह सुबह, और ऊपर आके इसने देखा कि मैं तो सो रहा था, तो मेरे को पता कैसे उठाया इसने कि भाई इसको तंग ना करूं, इसके ऊपर ना कूदूं, जैसे मेरे ऊपर जम कर देते, जैसे डॉग करते हैं ना कि उठाने के लिए, बट इसने ऐसे नहीं करा। मैं सो रहा था तो यहाँ पे मेरी टांग थी, तो मेरे इधर उधर सिर था, इधर टांग थी, तो इधर आया और मेरी टांग को थोड़ा सा चाट लिया, बता दिया कि मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है थोरू तू आ गया, तू सो जा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ सो गया। थोरू मेरा भाई है, ये छोटा सा, और इसको बहुत पसंद है जब मैं ऐसे ऐसे इसको यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ऐसे करता हूँ। आप लोग बताना आप लोगों के डॉग्स को कहाँ पे पसंद है जब हम उनको ऐसे करते हैं स्क्रैच, मतलब क्योंकि इनका यहाँ तक हाथ पैर तो पहुँचते नहीं, क्योंकि रॉटवाइलर के सिर तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसको आराम आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे, यहाँ पे सही है, सब बढ़िया है। और आपने अभी जो क्लिप देखी थी जिसके अंदर थोर ने मानू को ऐसे के वो काट लिया था, वो काटा नहीं था, वो आप लोगों को पता है ये इरिटेट हो जाता है, पूरा दिन मानू इसको छेड़ती रहती है, पूरा दिन इसके साथ खेलते रहती है, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो अपने आप को मानू से बड़ा मानता है, तो वो बड़े भाई की तरह उसने इसको धमका दिया कि बस बहुत हो गया अब ज़्यादा मत कर। तो और वो हमारे घर में होता ही रहता है, नॉर्मल चीज़ है वो, तो कोई इस चीज़ पर जज मत करना कि रॉटवाइलर ऐसे कर रहा है, नहीं। थोर जितना प्यारा जितना समझदार है ना, उसको मैं किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये बहुत ज्यादा समझदार है। कई बार तो ऐसे लगता है कि मतलब गॉड गिफ्टेड है तो गॉड गिफ्टेड, बट ऊपर से ट्रेन हो गया है ये। तो इसी के साथ इस प्यारे से छोटे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो भाई थोड़ा सा प्यार देते रहो हमें, ज्यादा अपना थोड़ा नहीं, ज्यादा भाई ज्यादा प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। इसी के साथ अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विचार। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करो यार, और आपने नहीं करा तो आप जरूर कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।